सभापति महोदय, 11 बीघा जमीन अभी कलेक्टर साहब ने इसको अलॉट किया था, कब्जा नहीं हटा पाए। बेटा जी ने धरने का कई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला सर, इन लोगों ने तो नहीं सुनी। अभी परमात्मा ने जरूर हमें कुछ रास्ता दिखाया है। ये नंदीशाला के लिए सरकार बहुत चिंतित है और अब तो ग्राम पंचायत तक भी उन्होंने आदेश कर दिए हैं भूमि चिन्हित करने के, और पंचायत समिति स्तर तक तो बजट भी पास कर दिया है। अभी ये लेटेस्ट 23 तारीख और 23/11/2022 को इन्होंने और संशोधन कर दिया, 20 बीघा भूमि की जगह अब 10 बीघा भूमि पर ही पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला बनाई जा सकती है, और 3 वर्ष पुरानी जो संस्था थी उसके भी बाध्यता खत्म करके और नवीन रजिस्ट्रेशन वाली संस्था को भी नंदीशाला का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, और हमारे सभापति महोदय वो भी नंदी बाबा को लेके बहुत चिंतित थे। आते ही उन्होंने बाहर से गाड़ियाँ मंगा कर नंदी बाबा के लिए बहुत प्रयत्न किया, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं कि जो 11 बीघा जमीन गौसेवा के लिए नगर परिषद को भी मिली है, कलेक्टर रेणु जयपाल जी ने उनको आवंटन किया है, तो उनके लिए भी अच्छा है उसी ज़मीन पर। और मेरा निवेदन है कि उनको आगे आना चाहिए, गौ माता का विषय है। कहाँ पर है ज़मीन ये? ये सिलो रोड पर ज़मीन है, अभी कलेक्टर साहब ने इसको अलॉट किया था, कब्जा नहीं हटा पाए। इसका कब्जा है भगवान जी नुहाल करके उनमें कब्जा बता रहे हैं, और मैं तो सभापति जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी इस गौशाला जब 10 बीघा में नंदीशाला अब सरकार ने मंजूरी दे दी है, बजट भी सरकार दे रही है, उसको अनुदान भी देगी, तो आप आगे आकर बूंदी की जनता के लिए ये कदम उठाएं। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा ये धरना। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरना 6ठे दिन भी जारी है, जारी रहा। अभी तक कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है हमारा तो प्रशासन कान खोल के सुन ले, अगर इन्होंने हमारी गौ माता की और नंदी बाबा की समस्या जल्दी अगर इन्होंने समाप्त नहीं करा, इसके लिए जगह नहीं दी गई है, तो ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में भोगना पड़ेगा, और ये लड़ाई हम सनातन धर्म में सबकी लड़ाई है, और गौ माता की और नंदी बाबा की, गौ माता की के लिए तो आज सभी लोग रोटी भी दे देते हैं, चारा भी पटक देते हैं, पर सबसे ज़्यादा आज दुर्दशा खराब हो रही तो नंदी बाबा की। इन्होंने किसानों ने भी इनको छोड़ दिया है, और जो पालने वाले थे उन्होंने भी इनको घर से निकाल दिया है, ये रोड पर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और प्रशासन को और शासन को सबको पता है, पर ये इसका समाधान करने के लिए कत्ते भी इच्छुक नहीं है। नंदी बाबा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रात राज्य मंत्री अशोक चांदना जी धरने पर आए थे, उनसे आपको कुछ आश्वासन मिला है या कोई संतुष्ट हुए उनकी बातों से, क्या कहना है आपका? उनसे आश्वासन यही मिला कि मैं बूंदी जिले के अंदर बड़ी नंदीशाला मेरे एरिया में बनाऊंगा। मंत्री जी ने कहा यह भी कहना है कि बूंदी की समस्त गोवंश को वहाँ लेके आ जाए, मैं संभाल लूंगा, जा भी खोलूंगा। कब लेके जाए इनको, कब गौशाला खोलेंगे? धीरे धीरे करते जा रहे हैं। आज गौ माता आप देख लीजिए और नंदी बाबा को देख लीजिए, पहले कितनी संख्या थी, आज कितनी संख्या रह गई, गिने चुने नजर आ रहे हैं, और साल दो साल बाद में ये भी आपको नजर नहीं आएंगे, और इसी में फोटो में नजर आएंगे। बोलो गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय। आगे की ये नीति की हमारा जो आंदोलन है ये बराबर से चलता रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पर बैठ के ऐसे विरोध करते रहेंगे और इनको जगाते रहेंगे और इनके मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गौ माता को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। अगर धरने से काम नहीं चला तो क्या इसको जन आंदोलन के रूप में भी लेकर जाएगी गोपाल? पब्लिक के बीच में जाएंगे हम लोग,
कहेंगे इनसे कि साथ लगो, ये समस्या सब किए, आज एक्सीडेंट होता है। एक मेरा भाई है मुकेश शर्मा, उसका नंदी बाबा ने दे ली थी, वो मर गया था, उसको 28 लाख रुपए नगर पालिका ने दिए, उसके पैसे देने तो लागे, और 28 लाख में कोई गौशाला नंदीशाला नहीं खुल सकती है। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। जब तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गौ माता को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। कोलोना कट सकती है, मंडी चरागाह में बन सकती है, कहीं प्रोजेक्ट नहीं। इन सरकारी जो चरागाह भूमि में बने हुए हैं, आज चरागाह भूमि इनकी है, और इनकी भूमि के लिए आज हम लोगों को इस जगह बैठ के आंदोलन करना पड़ता है। कैसी भी नब्ला है आज ये। नंदी बाबा को जय दो, जय दो, जय दो, तरफ को जय दो, जय दो, जय दो। भक्तों की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण, को भक्तों की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण, को भक्तों की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण।